श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। लड़के ने एक दिन एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय लिया। अब उस लड़के का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उसे पैसे कमाने हैं और धनवान बनना है। वो लड़का कई दिनों तक मेहनत करता रहा और धन कमाने के पीछे भागता रहा। उसने अपनी मेहनत से बहुत सारा पैसा कमा लिया और उसी बीच उस लड़के की मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई और अगले ही दिन वो लड़का धन कमाना छोड़ देता है और संगीत सीखना शुरू कर देता है। वो लड़का अभी अच्छे से संगीत सीखा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात एक विद्वान से होती है। विद्वान के चेहरे पे चमक देखकर वो लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है। अब उस लड़के को विद्वान बनने की इच्छा हो रही थी। उस लड़के ने तुरंत तय कर लिया कि अब तो मुझे विद्वान ही बनना है। अभी तो वो ठीक से संगीत सीखा भी नहीं था कि उसने संगीत सीखना छोड़ दिया और अक्षर ज्ञान लेना शुरू कर दिया। इसी तरह उस लड़के की काफ़ी उम्र बीत गई, ना वो लड़का धनी बन पाया, ना ही संगीतज्ञ और ना ही विद्वान बन पाया। अंत में उस लड़के को बहुत दुख होता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक महात्मा से होती है। उस लड़के ने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने बड़ी शांति से उसकी परेशानी सुनी और वो मुस्कुरा के बोले, बेटा ये दुनिया बड़ी रंगीन है, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें वहाँ पर कोई ना कोई आकर्षण दिखाई देगा। तुम सिर्फ एक ही निश्चय कर लो और फिर उसकी सारी जिंदगी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अगर तुमने निश्चित मार्ग नहीं चुना तो तुम इस दुनिया के झमेलों में यूं ही घूमते रहोगे, क्योंकि बार बार मार्ग बदलते रहने से किसी भी मार्ग में सफलता नहीं मिलती है। इस दुनिया में हमें आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किंतु उन सब में से हमें हमारी टैलेंट किस चीज़ में है और हमें क्या करना अच्छा लगता है उस चीज़ को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि निश्चित मार्ग ना चुन के और बार बार मार्ग बदलने से हमें किसी भी मार्ग में सफलता नहीं मिलती।